ठग सक्रिय हैं, आपकी बचत ऐसे लूटी जा रही है, खबर पड़े और सावधान रहें। जयपुर में ठगों ने विदेश में उच्च शिक्षा दिलाने, सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती कराने और एक विदेशी फर्म की एजेंसी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की, ऐसे 3 प्रकरण सामने आए हैं। पीड़ित पक्ष ने जवारा सर्किल थाने, मुरलीपुरा और वैशाली नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पहला मामला, नौकरी लगाने के नाम पर ठगे लाखों रुपए। मुरलीपुरा थाने में दर्ज केस के बारे में पुलिस ने बताया कि मूलतः जमारामगढ़ क्षेत्र में रहने वाले कमलेश शर्मा ने विजय कुमार नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि विजय ने कमलेश को सरकारी नौकरी सीधी लगाने के नाम पर ठगी की है। उसने लाखों रुपए ले लिए और उसके बाद फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। लेटर पर कई लोगों के हस्ताक्षर और सील थी जो सरकारी अधिकारियों के साइन की तरह दिख रही थी। बाद में जब नौकरी पर पहुंचा तो पता चला कि किसी भी तरह की पोस्ट जारी नहीं की गई। पुलिस ने कमलेश की शिकायत पर ठगी की धाराओं में केस दर्ज किया है। दूसरा मामला, विदेश में पढ़ाई के नाम पर ठग लिए 15 लाख से भी ज्यादा। ठगी का एक और मामला जवाहर सर्किल थाने में 51 वर्षीय ज्योति तलवार ने दर्ज कराया है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि उसके बेटे को कनाडा में उच्च शिक्षा दिलाने के नाम पर गुरमीत सिंह उर्फ गुरविंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने 16 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी ने कनाडा में अपनी अच्छी जान पहचान होने का झांसा देकर पीड़ित से किश्तों में कुल 16 लाख रुपए हड़प लिए। साथ ही आरोपी ने पीड़ित को उसके बेटे के कनाडा के एडमिशन फर्जी दस्तावेज भी दिखाए और जब पीड़ित के बेटे ने पड़ताल की तब जाकर ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद पीड़ित ने जवाहर सर्किल थाने में ठगी का प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विदेशी फर्म के नाम पर लगाया चूना। ठगी का तीसरा मामला वैशाली नगर थाने में सतीश कुमार मित्तल ने दर्ज कराया है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि पीड़ित ने तन्वी एंड कंपनी नाम से फर्म की। फर्म के कार्यालय पर आकर एक व्यक्ति ने विदेशी फर्म की एजेंसी दिलाने का झांसा दिया, दावा किया कि मुनाफा मोटा होगा। ठग ने खुद को विदेश फर्म का एजेंट बताकर विभिन्न मदों से 2 लाख रुपए रिपीट 2 लाख रुपए से अधिक की राशि सतीश कुमार से हड़प ली। इसके बाद भी आरोपी पीड़ित से और रुपयों की मांग करता रहा। शक होने पर पीड़ित ने अपने स्तर पर पड़ताल की तो मामला ठगी का निकला। इसके बाद पीड़ित ने वैशाली नगर थाने में ठगी का मामला दर्ज कराया।